इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का केमिस्ट्री के पेपर में आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया, 3D श्रेणी के संक्रमण धातु के आयनों में अधोलिखित संरचना का कौन सा आयन टेलर प्रभाव नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अधोलिखित बहुलकों में से कौन सा पौधों और जानवरों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अधोलिखित कथनों में से कौन सा LCAO विधि के लिए सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए थे। फिर उसके बाद आपसे अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिक्रिया N2+3H2 से 2NH3 के लिए यदि NH3/T की वैल्यू इतनी हो तो H2/T का मान कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अधोलिखित H2 और Br2 के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के पदों के कौन सा निरोधक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया था, माइकलिस मेंटेन स्थिरांक Km के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। उसके बाद आपसे पूछा गया था, इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। उसके बाद आपको अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, मैकडूगल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति और समय का गलत संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिहिस्टामिन ड्रग नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा गया था, कार्बोनिल समूह के संबंध में सत्य कथन को पहचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित धातु में से कौन सी आयरन को जंग से कैथोडी सुरक्षा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, C6H6 में X समूह के प्रतिस्थापन के संबंध में असत्य कथन को पहचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, Day/T3 नियम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अधोलिखित इपोक्साइड यौगिकों पर विचार करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अधोलिखित वायुमंडलीय अणु में से कौन सा अवरक्त कणों को शोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह शिक्षण व्यू रचना जिसमें कक्षा में विभिन्न बुद्धि स्तर के विद्यार्थी मिलकर छोटे छोटे समूह में रहकर अधिगम करते हैं क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अधोलिखित संक्रमण धातु में +8 ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है RGMX की क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में सक्रियण ऊर्जा का मान 0 है इस अभिक्रिया की और आपको वेग नियतांक का मान ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें हाइड्रोजन का उच्चतम ऑक्सीकरण अंक है वो आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बेंजीन के वाष्पीकरण की ऊष्मा उसके क्वथनांक 80 डिग्री पर 35.3 किलो जूल प्रति मोल है, तब उसके वाष्प के द्रव के संक्रमण के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अभिकथन और कारण से आया था, उसके बाद भी आपके अभिकथन कारण से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना की द्वितीय अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कार्बन लिथियम यौगिकों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। उसके बाद आपसे पूछा गया था, जीवाणुनाशी प्रतिजैविक कौन सी है। फिर नेक्स्ट पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। नेक्स्ट, एक पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया के संबंध में असत्य कथन बताना था। उसके बाद आपसे पूछा गया था, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अधोलिखित मूलकों में सर्वाधिक स्थायी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभिक्रिया श्रेणी दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित सभी लाक्षणिक गुण बेंजीन में पाए जाते हैं किसके सिवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपका असत्य कौन सा है। उसके बाद आपसे पूछा गया था, एक एल्डिहाइड को निम्न अभिकर्मकों द्वारा अपचयित करते हैं, किनके द्वारा अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने के लिए कौन सा दृष्टिकोण ये मानता है कि लोग सक्रिय रूप से अपना ज्ञान संरक्षित करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो, क्रिस्टल निकाय से संबंधित क्वेश्चन आया। उसके बाद pH वैल्यू से न्यूमेरिकल आया था। एक वाष्प दाब से विलयन के वाष्प दाब के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपसे कौन सा अवस्था फलन है वो आपको बताना था। अमोनियम अबंधित इलेक्ट्रॉन किस MO में होंगे ये बताना था। उसके बाद आपसे एक न्यूमेरिकल और पूछा गया था, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था। उसके बाद आपसे R संरचना पहचानी थी, चार ऑप्शन दिए थे। उसके बाद आपको RNA और DNA दोनों में कॉमन क्या नहीं है वो बताना था। बेंजीन के नाइट्रेशन के संबंध में असत्य कथन बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा हल्का प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का सूत्र सही है बताना था। एक संभावित संरचनात्मक मोनोक्लोरो समायु की संख्या बतानी थी। थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा बताना था। उसके बाद आपको अस्वापक ड्रग क्या है वो उसके बारे में बताना था। फिर अभिकथन और कारण से क्वेश्चन आए कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ज्यामितीय समायता से दिखाया गया क्वेश्चन है। उसके बाद आपको एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आयन O2- के अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या करती है इसके बारे में क्वेश्चन आया था। Br समूह से प्रतिस्थापित करने के लिए कॉपर पाउडर उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग नहीं होता इसके बारे में क्वेश्चन आया था। फिर एक न्यूमेरिकल आया था जिसमें विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना था। उसके बाद आपसे अभिक्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे AgCl का अवक्षेपण कौन प्रदर्शित करता है उच्चतम उसके बारे में पता था। उसके बाद आपको अधोलिखित प्रक्रिया पर विचार करना था और धनावेश शॉल किसमें बनेगा वो बताना था। उसके बाद आपसे RGMX के संबंध में असत्य कथन पूछा गया था और किसी विलयन के विलयन का अवशोषणात्मक अधोलिखित में किसका फलन है इसके बारे में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टी और बी प्रदर्शित करते गतिज और स्थितिज ऊर्जा में क्रम से एच का मान क्या होगा वो बताना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य विलयन के लिए सही उत्तर आपको बताना था।